पानी क्यों डाल रहा है इसमें? पानी डालो पानी डालो पानी डालो डाल। ओए तो लिया तू साला, मेरे भाई डाल दिया पानी, बदतमीज़ नहीं का है। ओए मक्कर। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फिलहाल करते हैं ब्रेकफास्ट। आज मम्मी जी ने बनाए हैं छोले, साथ में पूरी और मैक्रोनी। गाइस आप लोग सोचते होंगे कि व्लॉग में इतना खाना क्यों दिखाते हैं, बट खाना देख के ना फिर भूख लगती है। आप लोगों को भूख लगती होगी और मुंह में पानी आता होगा तो सही होता है, फिर खाने का मन भी करता है और व्लॉग में भी याद रहता है कि भाई इस दिन ये खाया था ये खाया था। आज मैं खाने में लेट हूँ बहुत ज़्यादा, बिकॉज रात को एडिटिंग कर रहा था ना 2-3 बजे तक, फिर लेट ही उठा मैं। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब फिलहाल आ गया ऊपर। मम्मी चाची मस्त बैठे यहाँ पे धूप सेक रहे हैं और सारे कपड़े धो दिए, सब जगह कपड़े कपड़े दिखेंगे आपको चारों साइड, यहाँ से वहाँ से सब जगह। ये क्या हो गया? ये हाँ ये तो पूरा सूज गया, पूरा चला ही नहीं जा रहा आज। चलो डॉक्टर को, डॉक्टर के पास चलो ना। मैं कल सुबह ना वहाँ पर्ची लगाती हूँ, वहाँ दिखा के लाती हूँ रुद्रपुर। ये तो पूरा ही सूज गया, वही करेगा इसका आज। बहुत ही दिक्कत हो गई, बेटा खुद चल ही नहीं पा रही, एड़ी नहीं रखी जा रही बिल्कुल। गाइज मम्मी की हो रही है पैर में दर्द बहुत ज्यादा और पूरा पैर सूज गया है। मैं कह रहा हूँ मम्मी को अभी चलो डॉक्टर के पास, मम्मी कह रही नहीं कल जाऊंगी कल जाऊंगी। चलो ना मम्मी, अभी जाके नहीं होता बेटा, 1 बज गया थी लंच का टाइम। पहले मम्मी के साथ में दर्द हुआ, फिर वो ठीक हुआ तो इस वाले हाथ में हो गया, अब हाथ में ठीक हुआ तो पैर में हो गया। हेलो कर, हेलो गाइज। हल्द्वानी का मौसम इतना मस्त है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और साथ में धूप भी है, मतलब इतना मस्त लग रहा है। मैं कहीं भी जाता हूँ ना भाई, ऐसा वेदर मुझे कहीं नहीं मिलता। अनबॉक्सिंग टाइम गाइज। वैसे गाइज कुछ ज्यादा एक्साइटिंग चीज नहीं है, बट जो भी चीज है मस्त चीज है। चलो भाई बिछाओ। तो भी गाइज हमने बेडशीट बिछा दिया और ये कोई नॉर्मल बेडशीट नहीं है। चलो मैं करूंगा ठीक है, 3, 2, 1। पानी क्यों डाल रहा है इसमें? पानी डालो पानी डालो पानी डालो डाल। ओए तो लिया तू, चल गद्दे भीग जाएंगे सारे, उठे हम सारे गद्दे भिगा दिए इसने, तो दिमाग खराब हो गया तेरा। ये वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ साला मेरे भाई डाल दिया पानी, क्यों तमीज नहीं का है? ओए मगर दिमाग खराब हो गया इसका, पागल हो गए। अरे बिल्कुल भी पानी नीचे नहीं गया, वाओ। अरे हाँ बिल्कुल पानी नीचे नहीं गया भाई, वाह भाई। डालो पानी डालो और पानी डालो और पानी डालो, बाल्टी ले आए भर के। तो गाइस ये है वाटर प्रूफ बेडशीट, इसको टेस्ट करते हैं, इसमें पूरा पानी डाल के देखते हैं कि पानी नीचे जाता है या नहीं जाता। तो गाइस अब मस्त वाली टेस्टिंग करते हैं इस बेडशीट की, इतना सारा पानी गिरा दे चलो। तो गाइस अब होने वाली है खतरनाक वाली टेस्टिंग, ये देखो बाउल में इतना सारा पानी है और हम डालने वाले हैं। ओ भाई इतना सारा पानी डाल दिया गाइस, ये देखो इसके ऊपर पूरा पानी पानी है, पूरा बेड के ऊपर हमारे पानी पानी है। ये देखियो, ये देखना पानी, ये नीचे नहीं घुस रहा इसमें पानी भाई, नीचे नहीं घुस रहा, ऊपर तैर रहा पानी गाइस। ये देखो ऊपर ही पानी, सारा पानी ऊपर ही तैर रहा है, नीचे नहीं जा रहा बिल्कुल भी पानी। चेक करें, नहीं नीचे सूखा है, नीचे सूखा। एक बार रुको इसको वो देखते हैं ऊपर करो, इसको इसको पानी फिट करते हैं। किसे पानी फिट करते हैं? अब देखते हैं ना कि जाएगा कि नहीं जाएगा। ओए और नहीं बस भाई पूरा पानी तेरे नहीं, छोटे बच्चों के लिए सही है, अगर वो सुसु का पोटर लेंगे ना तो सही है उनके लिए। भाई पूरा पानी, सारा पानी इसमें इकट्ठा हो गया, हमने बहुत सारा पानी डाला बाहर भाई, एक बूंद पानी भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है। इसको एक बार इसको ना बारिश में भी ओढ़ के जा सकते हैं हम लोग। अच्छा तो लगा इसने मेरे सिर में पानी डाल दिया, मेरी स्वेटर भिगो दी देगी। आइए देखो जल्दी आओ, इसमें पानी पानी है देखो, ये देखो इतना सारा पानी। तो गाइस फुल टेस्टिंग हो चुकी है, अब चलते हैं ऊपर धूप में सुखा देते हैं इसको। गाइस ऐसा नहीं है कि इसमें प्लास्टिक है, देखो बिल्कुल सॉफ्ट है ये, बिल्कुल सॉफ्ट, बट फिर भी वाटर प्रूफ है, कितना मस्त वाटर प्रूफ है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है। देखो इस बेडशीट को हम यूज कर सकते हैं बहुत सारी जगह पे, कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं बहुत जगह पे जहाँ पे पानी हो। चलो टेस्ट पास हुआ कुनाली। तो गाइज अब मैं जा रहा हूँ अपने फॉर्चुनर ठीक कराने के लिए, ये देखो क्या हाल हो गया इसका, जब से इसकी PPF निकाली है ना तो ये बहुत भद्दा लग रहा है, हमको पूरी फैमिली को जाना था कहीं भी तो अजीब लगता है, पूरी गाड़ी में ऐसा ही हो रखा है, तो ये निकलवाना पड़ेगा। तो चलते हैं एक PPF वाली दुकान पे, यहीं पे हल्द्वानी में ही है कोई स्टोर, वहीं से निकलवा। देखो यहाँ भी लाया, यहाँ भी है पूरा, यहाँ भी है सब जगह पूरी, ये देखो पीछे तो कुछ ज़्यादा ही है। देखो ना ये निकलवाना था, शाम तक दे दोगे आप? हाँ सर, तो बढ़िया है। चलो भाई फॉर्च्यूनर को छोड़ दिया यहाँ पे और मैं जा रहा हूँ निवल जी के साथ में उनकी न्यू कार में। बधाई हो न्यू कार की। थैंक यू भाई, थैंक यू। पार्टी नहीं दी आपने न्यू कार की? पार्टी नहीं दी। अरे इसकी देनी थी क्या? अभी ये क्या है?
तो स्कूटी पड़ी हुई है यहाँ पे साइड कर दो भाई रख दो अबे किसकी होगी साइड कर देते हैं इसको साइड कर देते हैं हाँ साइड कर देते हैं खाली कौन है कोई छोड़ के चला गया भैया आपकी है क्या रुको साइड करो भैया की तो भैया के पास है अच्छा भैया की तो भैया के पास ही है सॉरी यार भैया आपकी है क्या हाँ मैं जेब में लेके आया था गिर गई तो गाइस मस्त खड़ी कर दिया अब चलते हैं चलो वो भी पकड़ा गया यार स्कूटी तो मेरे हाथ में है ये मिर्से की पूछ रहा होगा शाम को मिलते हैं शाम तो गाइस हमने ना बहुत सारे फूल लगाए थे अपने घर में जो कि अब देखो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं पता नहीं इनकी लाइफ खत्म हो गई क्या हो गया देखो पूरे खत्म होते जा रहे हैं ये भी तो अब मैं सोच रहा हूँ इनको चेंज करने की यहाँ पे ना सुंदर सुंदर और प्लांट्स लगाने की ताकि जो ये वाला एरिया ना ये पूरा सुंदर सुंदर लगे ये देखो पता नहीं क्या हो गया इन फ्लावर्स में पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया इधर भी तो गाइज मेरा प्लान है जो ये वाला एरिया ना इसको पूरा सुंदर बना दूं यहाँ पूरे प्लांट्स लगा दूं प्यारे प्यारे कि बैकग्राउंड में जब भी वीडियो बनाऊं ना तो सुंदर सुंदर से लगे दबाओ बटन हाँ जल गई और यू आजकल शंख नहीं बजा रहा और यू को नींद आ रही है तो अभी डिनर की तैयारी आज बनेगी पेठे की सब्जी मम्मी जी एक मस्जिद दिखाना चाहता हूँ मैं सबको ये मैंने खुद डिजाइन किया मम्मी एवरीथिंग फॉर ग्रोइंग माइंड्स क्या हो सकता है कल सबको चल जाएगा पता कि ये कुनाली क्या है गाइज मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ कल आपको बताऊंगा मैं कि ये क्या है कुनाली जो मैंने डिजाइन किया है स्पेशली मेरा आइडिया कैसा लगता है आप लोगों को कल सब कुछ फाइनल हो जाएगा जिसमें मैं काम कर रहा हूँ कल आपके लिए कुछ है पैर में दर्द हो रहा है गाइस मम्मी के पैर को ना इतने डॉक्टर को दिखा लिया इतने साल हो गए इतने डॉक्टर को दिखा लिया फिर एंड में डॉक्टर यही बोलते हैं कि तुम्हारा वजन ज्यादा है इसलिए वजन कम करो यही बोलते हैं डिनर रेडी हो गया है मस्त पेठे की सब्जी रोटी एंड चटनी डिनर हो चुका है अब चलते हैं फॉर्च्यूनर लेने के लिए रेडी हो गई होगी चलो भाई गाड़ी अपनी रेडी है साहिल ले आएगा फॉर्च्यूनर गाइस गाड़ी तो ले आए हम फॉर्च्यूनर हम ठीक करवाने गई थी और खराब हो गई है विंडो बटन काम नहीं कर रहे भाई ये देखो बटन ही काम नहीं कर रहे भाई इसके गलती कर दी यार बाहर देखे कंपनी में कराना चाहिए था बाहर काम कराना ही नहीं चाहिए गाइस अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने वहाँ पे गाड़ी क्यों दी ये देखो भाई फुल स्क्रैच लगे हुए यहाँ पे देखो यहाँ से निकाला ही नहीं देख पहली पेमेंट क्यों करे मैं तो भाई बटन काम नहीं कर रहे उसको वहाँ से करवा लेता दिल्ली से ये देखो ये भी निकल रहा है इसका पता नहीं मेरा तो पूरा मूड खराब हो गया भाई गाड़ी को देख के चलो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ आई होप आपको पसंद आएगा पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय ओ भाई